मम्मी आ गए स्विमिंग। आज हमारा ठंडी है क्योंकि मम्मी अपने कपड़े लेके आई है। ठंड लगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। अभी आज जुमा है, जुमा बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। तो मैं हर जुमा को ज़रूर ब्लॉग बनाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, ऊपर आ जा। और अभी 1:30 बज रहा है, और मैं 1:30 बजे ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मैं काम कर रही थी। सलाम करो, चलो अस्सलाम वालेकुम। और ये देख रहे हैं इनके बाल, अच्छी लग रही ना। सो के उठी है, वो पूरा उलझा हुआ है। और अभी हम इसे नहलाएंगे जोया को, जोया के लिए पानी गर्म हो रहा है ना जोया। तो मैं लेट उठी सुबह से, लाइट आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, तो पानी भी नहीं था तो दिक्कत हो रही थी। और अभी उठने के बाद मैंने सबसे पहले क्या क्या करा है वो बताती हूँ। स्कूल नहीं गई है आज, और इनकी वजह से आज मुझे डांट पड़ेगी। किनको? मुझे, पापा डांटेंगे बहुत। जो है गंजा करवा दूँ? देखा, इतनी खुशी मिलती है ना जब हम बोलते हैं कि इसे गंजा कराएंगे। सबसे ज्यादा जब 1 मिनट में तैयार हो जाती है, हाँ मुझे गंजा करा दो, कैसी दिखेगी गंजी सी। पूरा गंजा कर देना, नहीं थोड़ा सा यहाँ तक लग, यहाँ तक लगता मैं लड़का बन जाऊंगा, लड़का लड़का बनेगा। चल पागल। तो सबसे पहले मैंने बनाए थे चाय, पी लिया सबने, और ब्रेड। ये चाय के बर्तन अभी थोड़े से, इतने से ही बर्तन है, धुले नहीं। इसके बाद मैंने बिस्तर ठीक करा पूरा, और यहाँ कमरे का पूरा झाड़ू पोछा फटाफट करी, यहाँ का भी। लाइट देखें, और अगरबत्ती भी जलाया, दिख रहा है। और ये किचन हॉल, फैजान फिर फोन लेके पड़े है ना। और यहाँ पानी गर्म हो रहा है, अभी जोया को ना उबाल के छीलूंगी पानी में। और हमजा गया अभी अभी स्कूल से आके, वो नमाज पढ़ने के लिए गए। और मैं चलती हूँ फटाफट, पहले इन दोनों को नहलाऊंगी, है ना जोया फैजान? नहाओगे ना? ये देखो, ये है ना, ये फैजान निकम्मा, वह फोन लेके पड़ा रहता। रखो फोन, शॉर्ट वीडियो देखता है। ये रे मम्मी आ गए स्विमिंग। आज हमारा ठंडी है क्योंकि मम्मी अपने कपड़े लेके आई है। ठंडी में मैं सो रहा था क्योंकि मुझे बहुत ठंडी लगती है, क्योंकि मैं कंबल उड़ के नहीं सोता। जोया फैजान ने नहा लिया। ठंड लगी ना? मुझे भी ना। तुझे भी नहीं लगी? मच्छर मैंने कपड़ा हल्का होना मेरा कच्चा। सारे काम हो गए, अब मैं जा रही हूँ फटाफट नहा के नमाज पढ़ूंगी। बहुत लेट हो गया, बहुत ज़्यादा। और क्या फ़ायदा जब टाइम निकल जाए तो, इसीलिए। और लंच का भी टाइम होने वाला है, तो चलिए अब नहा धो के मिलूंगी फटाफट। तो मैंने नहा धो के नमाज भी पढ़ ली जोहर की, और अभी 3 बज गया है। और तो अभी जैसे कि हमारा जोहर का नमाज हो गया, तो अभी असर तक थोड़ा सा टाइम है हमारे पास। असर तो 4-5 बजे होता है, तो थोड़ा सा मैं करूँगी मेकअप आज। और कौन सी चीज़ यूज़ करूँगी वो मैं दिखा देती हूँ। तो मैं यहाँ से पॉन्स की क्रीम लूँगी, और लिप ग्लॉस, और काजल, बस 3 चीज। ख़राब कर देगी। आप लगाओ। तो बस हो गया। मुझे इतने कमेंट आए थे कि
कभी मेकअप लगा के वीडियो बनाए या फिर मेकअप क्यों नहीं लगाती हैं, तो मैं कौन लगाएगा इतनी बार, क्या है कि बार बार मुंह धोना पड़ता है और जोहर में असर में, और दिन इतना छोटा है ना, फटाफट टाइम हो जाता है, तो फिर इतना सारा चीज़ लगाओ फिर धो तो कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए मैं कभी भी अगर थोड़ा सा भी रेडी होती हूँ तो ये तीन चीज़ मैं यूज़ कर लेती हूँ। बहुत है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बहुत सारे सामान है जैनब के पास भी, इतना है, मैं चाहूँ तो लगा सकती हूँ, तो मैं नहीं लगाती। लेकिन आप देखेंगे कितने सामान है, पर मुझे सूट नहीं करता है कोई भी मेकअप मैं अगर लगाऊं तो, इसलिए मैं रखती हूँ थोड़ा सा ही बस यूज करती हूँ। जैसे कि रात को भी जैनब ने मुझे ये दिया रखने के लिए, मैं चाहूँ तो मैं यूज़ कर सकती हूँ, पर मैं अच्छा नहीं लगता है, मुझे अच्छा लगता है ये आँखों का काजल ब्रश वाला। तो आज के लिए इतना ही वीडियो, आप लोग को वीडियो उम्मीद है अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें और कमेंट करके बताएं। अल्लाह हाफिज़।